नागरिक संशोधन बिल के लिए जहां एक तरफ जामिया यूनिवर्सिटी व अलीगढ़ में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं राजधानी लखनऊ में भी जामिया अलीगढ़ की तरह आज शुरू हो गई। आपको बता दें कि नागरिक संशोधन बिल के लिए जहां पूरे देश में लोगों के अंदर गुस्सा व्याप्त था, वहीं 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ के इतिहास में शायद एक काले दिवस के रूप में देखा जाए। आपको बता दें कि इस दिन लोगों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर आ करके अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसमें कई जगह पर आगजनी हुई तो कई लोग घायल भी हुए। वही लखनऊ के उन प्रमुख चौराहों को और उन प्रमुख जगहों को चुना गया जिसमें कहा जाता था जहां पर गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उन जगहों पर आगजनी जैसी घटनाओं को कुछ अराजक तत्वों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। मिलकर बोलो, ऊंचा बोलो, एक साथ में। 19 दिसंबर को शायद लखनऊ के इतिहास में काला दिवस मनाया जाएगा। हालांकि 19 दिसंबर को पूरे राजधानी लखनऊ में जो नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसका इनपुट पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस और जो आला अधिकारी उनको पहले से ही इनपुट था कि बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद में सरकंडा चौकी को आग के हवाले किया गया तो लोगों ने सड़कों से निकल करके पत्थरबाजी की और अपना गुस्सा नागरिक संशोधन बिल के विरोध में दर्ज कराया। मौके का जायजा पुलिस के तमाम बड़े आलाधिकारियों ने लिया और कुछ देर बाद मौके पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शायद उग्र हो गया और कई जगह आगजनी जैसी घटनाएं भी अंजाम अपराधियों के द्वारा दे दी गई। वहीं हसनगंज थाने में खदरा मदयगंज चौकी को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया और काफी जान और माल का नुकसान भी पहुंचाया। वहीं पुलिस की ओर से जवाबी कार्यवाही में आंसू गैस भी दागी गई, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों पर शायद कोई भी इसका दबाव नहीं था। वहीं प्रशासन को पहले से ही गुप्त सूत्रों से यह जानकारी थी कि राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन लोगों के द्वारा देखा जाए, जिसकी शायद तैयारी भी जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने कर रखी थी, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का गुस्सा इतना उग्र था कि उन्होंने निजी संपत्ति को हानि पहुंचाई और पुलिस समेत कई मीडिया कर्मियों को भी इस हिंसक हड़प में समस्या का समाधान करना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर जो इंतज़ाम है वो किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की ये एक बड़ा फेलियर कहा जाएगा, जिसके बाद इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। जो राजधानी लखनऊ के कई प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने इकट्ठा हुए और अपना विरोध दर्ज कराया और राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं लखनऊ की प्रमुख चौराहा परिवर्तन चौराहे पे भी हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर के अपने गुस्से को जाहिर किया और कई निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं पास में ही मेट्रो स्टेशन केडी सिंह को भी पूरी तौर से बंद कर दिया गया और मेट्रो की सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई। वहीं आगे हिंसक झड़प को देखते हुए प्रशासन की ओर से इंटरनेट की सभी सेवाओं को अनिश्चितकालीन तक के लिए रोक दिया गया और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी की गई। वहीं पूरे प्रदेश में लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनकी संपत्ति से हिंसक झड़प में हुई नुकसान की भरपाई भी करने की बात प्रदेश सरकार ने कही है। अब देखने की बात यह होती है कि जिस तरीके से नागरिक संशोधन बिल में हुए बदलाव से लोगों के अंदर गुस्सा व्याप्त है, वह इस तरह की घटनाएं कब तक घटती रहेंगी, इस पर कोई प्रदेश सरकार लगाम लगाएगी? मिला जहां पर लाखों की संख्या में लोग आए और वहां पर विरोध अपना दर्ज कराया। हालांकि जो वहां पर जो लोग थे उन्होंने इतने उग्र हो गए कि शायद उन्होंने जो वहां पर जो निजी संपत्ति थी लोगों की वो भी जलाना चालू करा और कई पुलिसकर्मियों को भी इसमें चोटिल होना पड़ा और कई प्रदर्शनकारी इसमें घायल हुए और कई मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को तक के जला दिया गया। कई उसमें ओबी वैन थी जिससे जो लाइव होता था उससे कहीं ना कहीं जो समस्या जो एक बनी हुई थी, बड़ी संख्या में लोग आए और जो वहाँ की प्राइवेट संपत्ति थी उनको जलाया, फिर कहीं ना कहीं जो खदरा पुराने लखनऊ में सरकंडा चौकी को जलाया और भी निजी संपत्तियों को जलाया, जिसके बाद जो LIU की रिपोर्ट थी कि एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा राजधानी लखनऊ में, लेकिन उसके बाद भी शायद पुलिस महकमे में जानकारी होने के बाद भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे, जिसके बाद ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और शायद जो प्रदर्शनकारियों ने जो निजी संपत्ति थी उसको जलाया और शायद कहा जाए जो पुलिस का एक बड़ा फेलियर इसमें देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ONN न्यूज़।